छत्तीसगढ़ आदिवासियों का गढ़ भी कहा जाता है और ये ट्राइबल स्टेट है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। और PVTGS में एक PVTGS ये भी है कि पहाड़ी कोरवा जो कोरबा जिले में रहते हैं, और हम कोरबा जिले भी पहुँचे हैं, उनसे भी समझेंगे कि उनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आ रहा है, सरकारी सुविधाओं का कितना उनको लाभ मिल रहा है, उन तक सड़कें पहुँची हैं कि नहीं पहुँची है, उन तक बिजली पहुँची है कि नहीं पहुँची है, ये सब चीज़ जानने समझने के लिए उनके पास जा रहे हैं। तो हम जहाँ पर हैं वहाँ से देखिए वो पहाड़ आपको दिख रहा होगा वीडियो में, कि वो पहाड़ में इस पा यहाँ से 1 किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ेगा, और पैदल चढ़ने के बाद हमको 1 किलोमीटर पहाड़ में भी चढ़ाई करनी पड़ेगी, करीबन 2 किलोमीटर, और वो 2 किलोमीटर के बाद ही हमको पहाड़ी कोरवा जनजातियों से हम मिल पाएंगे और उनसे समझ पाएंगे कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। तो आइए मेरे साथ और आपको मैं इस पूरे सफ़र को बताते जाऊंगा कि कैसे किस चुनौतियों को सामना करके हमको जाना पड़ रहा है, कैसे कितनी कठिनाइयों का रास्ता रहता है, ये सब चीज़ बताएंगे और हमारे साथ चलिएगा और सबको आपको दिखाते हुए जाएंगे। आइए। और अब मोबाइल मुझे दे देना भैया, आप लोग पहाड़ी कोरवा के पास जाना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी चढ़ाई पहाड़ों में चढ़नी पड़ रही है, और यहाँ आपके दो पैर काम नहीं आएंगे, आपको तीसरा पैर यानी कि इसी तरह का एक डंडा का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तभी आप पहाड़ में आसानी से चढ़ पाओगे। आसानी से कहना भी गलत होगा, क्योंकि देखिए इसमें फिसलन भी है, अगर आप फिसल गए तो आप नीचे गिरोगे, और कितना नीचे गिरोगे इसको इसका तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पूरी खड़ी चढ़ाई पहाड़ है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा थकान लगती है। प्लेन रास्ते में आप चलेंगे तो कम थकान लगेगी, लेकिन ऐसे खड़ी चढ़ाई में चढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा थकान लगेगी, और यही कारण है कि मैं भी अब हाँफने लगा हूँ, आवाज़ में आपको समझ में आएगा कि मैं हाँफ रहा हूँ। तो चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर कैसे पहाड़ी कोरवा रहते हैं। राधे भाई, 1 मिनट बोलकर आप लोगों ने हमें 3-4 किलोमीटर मतलब 1 घंटे से तो चढ़ा ही रहे पहाड़ में, और कितना दूर बचा है? ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। पास में ही है जी। कितना पास बोलें इसको, कितने मिनट का सफ़र होगा? 5-10 मिनट और लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है। तो जाते जाते हमको ये दिखा है, ये झोपड़ी का स्ट्रक्चर है, और ये झोपड़ी क्यों बनाते हैं यहाँ? इधर आइए। घर बनाने के लिए अपने। इस पहाड़ में कौन बनाता है भाई घर? कोरवा लोग। कोरवा लोग जी। अच्छा, तो यहाँ रहे भी होंगे कि? पता नहीं अभी तक तो। पिछले बार आप आए थे तो देखे थे? नहीं देखे थे। नहीं देखे, पहली बार देखो इसको जी। तो अभी ये जो पहाड़ दिख रहा है सामने, कैमरा दिखाइए उसमें, वो पहाड़ देखिए, ये पहाड़ फिर से हमें पार करना है इसको कि नहीं? जी नहीं, नहीं करना है। कहाँ से जाना है आप हमें? सीधा से। अच्छा, इधर इधर जो झाड़ियाँ दिख रहा है, पेड़ पौधे, इधर इधर ही जा रहा है? हाँ जी। तो अभी हमारा सफ़र अभी भी जारी है, और मेरे माथे में जो पसीना है वो इस चढ़ाई का गवाह है कि हमको कितना चढ़ाई करना पड़ रहा है, और अभी हम पहाड़ी कोरवा के पास जाने के लिए अभी भी 10 मिनट का सफ़र बता रहे हैं, लेकिन राधे भाई हमेशा झूठ बोलते हैं। इससे पहले हमको बोले कि 2 किलोमीटर है, लेकिन 1 घंटे से चल ही रहे हैं पैदल, अभी जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे और टोटल बताएंगे कि कितने किलोमीटर हम लोग चढ़े हैं। ये लो तुम भी कर। पहाड़ी कोरवा से हम मिलना चाहते थे, उनके जीवन को जानना चाहते थे, उनके करीब हम लगभग पहुंच गए हैं, और बस ये सामने हमको एक घर दिखने लगा है, कुछ बकरियां दिख रही है, मुर्गे दिख रहे हैं, और ये बाहर एक चूल्हा बनाया गया था वो दिख रहा है, घर में कोई। राम राम हो, सब बने बने बैठा बैठा। कहाँ है घर के मन? अब कोई नहीं है घर में? ये क्या ने बताती के? हाँ। वो घनी आ रही ने घर। ये अब तुमन के घर है? हाँ। खाना बन गया है? हाँ। क्या बनाए हो? अमारी। अमारी का होता है? साग। साग? हाँ। अच्छा। दाऊ। घर घर के मन कहाँ है तुम्हारा? दाऊ मन? दाऊ में ना है दा। कहाँ है? बेंद्रा तो उग्राती हुई है। बेंद्रा भगा ना इतनी है। इतनी है? खाना 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 सब बन गई से, वो चूल्हा जला थे तो अंदर आ जान देख बोला।
देखिए पर अंदर आजा इनका घर देखा हमार घर दुआर से तो है देख लो ठीक जूता निकाल लेते हैं ये वीडियो बनाता है निहित क्या अंजेंदर आ वो मैं जान थे तो पहाड़ी कोरवा कैसे रहते हैं और उनका घर कैसे दिखता है ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये जो कपड़े हैं ये इनके कपड़े हैं और ये चूल्हा है और चूल्हे के पास कुछ बर्तनों में उनके सब्जियां हैं और पत्तल आपको दिख रहे हैं जो ढक्कन का काम यहाँ पर कर रहे हैं दरअसल ना वो है पत्ता है पत्ता है हाँ, उसको पत्तल के रूप में पत्तल ढक्कन की जगह पत्तल को इस्तेमाल करते हैं और यहाँ यहाँ देखिए इनका घर देखिए ये मिट्टी है और लकड़ी है लकड़ी की चार दीवारियाँ हैं और ऊपर में छत है वो भी लकड़ी का ही है और अच्छा ये लोग वाद्य यंत्र भी अपने पास रखे हैं और ये तंबूरा है जो इनके जो लोक त्यौहार होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता होगा और यहाँ ज़मीन में एक खास चीज़ दिखी है ये लकड़ी है और लकड़ी में दो गड्ढे हैं ये क्या काम आते हैं जी ये धान को चावल बनाने के लिए जो अच्छा ढेकी की तरह हाँ ढेकी बस मूसर बोलते हैं इसको मूसर हाँ दाई ये का है हाँ बहना है बहना है हाँ मूसर आया मूसर हाँ मूसर में का कूटता धान हाँ तो नीचे जाके कुटवा नहीं जाओ मशीन में ये देखिए मूसर है और इस गड्ढे में चावल डाल देंगे और उसके बाद ये प्रक्रिया होगी ऐसे ऐसे करेंगे तब वो धान का जो छिलका है वो निकलेगा और वो चावल बनेगा और उसी चावल से आप भात खाएंगे छत्तीसगढ़ी में भात कहते हैं तो यहाँ अंदर की तस्वीर मैंने दिखा दिया कि किस घर में रहते हैं और इन लोगों के जीवन यापन को समझने की कोशिश करेंगे और घर वाले आए क्या कोई का नाम है तोर नमस्ते भैया जयराम का नाम है का विफल कोरवा विफल कोरवा विफल अच्छा तो ये वाला घर तुम्हारे कौन सा घर तुम्हारे नहीं वो अब घर गोसे तो माटी में गए हमर बाप रहिस तोर बाप रहिस तोर घर कहाँ है सोनू यहीं से रहा होते टाइम खान तो ये कतका पहाड़ी में काबर घर बना है तुमन और जनाम खराम दिस ते दिन भगवान है पहाड़ में डेरा हमें देखिस ये बोल रहे हैं कि मतलब आप टीकेश जी आप तो यही आसपास के रहने वाले हैं तो आप मुझे इनसे बात आप करवाइए समझाइए आप यहाँ पर आइए हाँ ठीक अंजोर आई तो यहाँ क्या क्या इनके पास होता है ये पूछिए ना उनसे आप भी माइक पकड़ लीजिए तुम इन मतलब नीचे में नहीं रहो नहीं यहीं रहते हो कहाँ जगह जमीन मिले हमारा तो जगह ना ना ठीक रहा नहीं मैं इनसे पूछा कि आप लोग नीचे क्यों नहीं रहते हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि जगह जमीन नहीं है हम लोग पास तो कैसे रहेंगे नीचे इसलिए ऊपर रहते हैं सरकारी घर मिला है सरकार दे है घर नीचे में घर ही मिला है नहीं मिले नहीं मिला है नहीं मिले है बोल रहे हैं प्रधान नीचे नीचे जाना चाहते हैं नीचे जी हो अगर मिली जाओ तब जाए हो नहीं जाओ अच्छा तो यहाँ ये जो पहाड़ी में का सामान तुम मतलब मिल जाते राशन पानी के लिए पूछते सोसाइटी चावल मिलते मिलते कोनो कहीं कर देते हैं कोनो कहीं के खाद तो है अपन ने अच्छा कतका कतका मिलते ये बोल रहे हैं कि जो चावल आता है सरकार के द्वारा हाँ। जो एक एक जन को 6 किलो 5 किलो मिलता है शायद हाँ। मतलब परिवार को 35 किलो जो उनको ये बोल रहे हैं कि कभी कभार देते हैं नहीं तो उन्हीं लोग खा लेते हैं अच्छा कभी कभार मिलता है अच्छा और आप चावल उतने हम लोग तो इतना चढ़ के आए हैं कि पसीना निकल गया है आप लोग चावल लाने के लिए कैसे करते हैं कितने किलो मिलते चावल तो मिला देते 35 किलो 35 और उतर किसे लान थोले यहां जाके के बहुत दुकान सब लेके साथ की आधा छोड़ रहे थो आम थन किसने कोई कुरी के हां थोर लान तो नहीं मतलब इन लोग बोल रहे हैं कि चावल मिलता है जो 35 किलो एक साथ नहीं लाते क्योंकि हम लोग को ऊपर चढ़ना पड़ता है वजन तो थोड़ा थोड़ा करके वहां गांव में को जी कर रख देते राखो होते गांव मतलब ग्रामीण लोग के पास जो जानकार इंसान होता है उन लोग के घर छोड़ देते हैं पूरा बोरी में जी और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके मतलब 2 किलो 3 किलो दो तीन दिन के लिए चल जाए ऐसा ले आते हैं बिजली है यहाँ बिजली इतनी होती नहीं और वो कछु प्लेट में दे रही
तो बिजली नहीं रहती रात के, कैसे अंधेरा में कैसे रहते हो? नहीं तो आगे लुठी में बाहर रहा होते है। अच्छा, रात भर जलते है? जलते है। अच्छा, तो जानवर वानवर की खतरा यहाँ, जंगली जानवर भालू में नहीं है भाई? आवाज कही देवा होते ठेंगे ठेंगे पास के भाग जाता। ये बोल रहे हैं कि भालू वालू आता तो है, लेकिन जैसे आवाज लगाओगे तो ऐसे बजाओगे कुछ चीज को तो भाग जाता है, फिर आस पास नहीं रहता। अच्छा, और घर में क्या क्या, ये फल फूल पेड़ है, सब्जी है, क्या क्या है वो दिखाएंगे? पपीता है, पपीता बोल रहे हैं। और क्या है? ये कोसम का पेड़ है, डोंका थुमा, दिखाओ दिखाओ इसको, दिखाओ। ये कोसम का पेड़, ये कोसम का पेड़ है, क्या काम आता है? कटहल है, कटहल है, कटहल, कटहल। हाँ, अच्छा, मोबाइल फोन है पूछे तो? मोबाइल फोन है रे तुम कर, वो देखो जो लिखा है, ए राधे, ए दिखा, वीडियो में दिखा ना, लो बोला वीडियो में दिखा ना, ठीक है, वो दे दे सुमिल्ला, वो चौ लाइन दे हम रख ली। मोबाइल फोन के बारे में पूछे? मोबाइल फोन नहीं है, नहीं है, लाभ लाइट ही नहीं है तो मतलब मोबाइल का करेंगे क्या, ऐसा अभी है? और इतना मतलब एजुकेटेड भी नहीं है कि लोग मोबाइल चला पाए। उस कितना कितना पढ़ते हैं? कुछ पढ़ा नहीं है, पढ़ा लिखो नहीं, कोई नहीं पढ़ा। और घर में के जी है तुम्हें? हाँ, दस जन, सब कोई के हैं, लड़का में पिच का यही घर में है, तो भाई यहाँ छह भाई, यहाँ चार बहन, एक बहन देर है। हाँ, तो यहाँ के जन रहते हो एक घर में? ये मतलब यही रहते में दस मई, ये लोग ये बोल रहे हैं कि जो दस घर रहते हैं लोग पूरा परिवार में, जो यही इसी घर में रहते हैं, आपको दिखा दें कैमरामैन से बोल लो। और ठीक है जी, ये बताइए मुझे कि इस पहाड़ी में हम पहुंचे हैं और इस पहाड़ी में एक यही घर है कि और घर है? बस एक ही घर है, एक ही घर। हाँ, इस आसपास एरिया में एक ही घर है। और दूसरे तरफ दिखाओ तो पानी कहाँ से मिलता है, इनसे पूछते हैं। आइए ना आप आइए, पानी कहाँ लान थो? पानी के लान था उपका है। हाँ, इन लोग बोल रहे हैं कि जो स्रोत रहता है ना पहाड़ से ऐसे निकलने का, एक जगह रहता है कुछ ऐसे पानी का स्रोत, वहाँ से इन लोग बना लिए हैं, अभी दिखाएंगे आपको। चलिए, तो पीने लायक पानी होता है? हाँ, एकदम शुद्ध पानी जिसको बोल सकते हैं अपन लोग। बीमार तो नहीं पड़ते? नहीं, पूछे ना, इनसे पूछे ना। बीमार थोड़े पड़ते हो, पानी पिए ले? नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं होता बोल रहे हैं। ये जो बांस अभी काट रहे हैं तो ये किस काम का होता है पूछे तो? ये बांस लगाई बनाई हो एला सिंह चीर के एला बस्ती ले जाता हम। अच्छा, बेचे बार? हाँ, ये इन लोग का रोजमर्रा का मतलब एक साधन है, जैसे इसको सिंह मतलब ये हो गया, जैसे पत्तल बनता है ना। हाँ, तो पत्तल वो एक बनता है ऐसी जो मटेरियल का कागज का रहता है, इन लोग बनाते हैं पत्ते से, तो पत्ते को पत्ते से जोड़ने के लिए जो यूज करते हैं सिंह, सिंह उसी सिंह को इन लोग बना रहे हैं, और इसको सिंह बना के गांव में बेचने जाएंगे। कितने रुपए कमा लेते हैं इससे? कतिक कमात हो एक जूरी? सोसाइटी चौर तो नहीं पूरे था, चौर मैंने देखा। अच्छा, तो इन लोग बोल रहे हैं कि पैसा नहीं लेते। हाँ, इन लोग लेते हैं उसका, उसके बदले चावल या फिर सब्जी वब्जी ग्रामीण। ये बहुत बड़ी बात है जिसको आपको मुझे समझाना पड़ेगा। ये जो बांस आप देख रहे हैं, ये बांस तो इसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बना रहे हैं और इसको जाके गाँव के बाजार में बेचेंगे, और इनके पास तो आय का कोई साधन नहीं है, आय का साधन नहीं है, तो इसको देते हैं और चावल लेते हैं सोसाइटी से। सोसाइटी से तो चावल फ्री में मिलता है वैसे? नहीं, इन लोग बोल रहे हैं कि जैसे चावल खत्म हो जाता है, अब हाँ, दस जन का परिवार है। हाँ, और मेहमान भी आते होंगे तो उनके साथ मतलब खा पी के खत्म हो जाता है। हाँ, और इन लोग ऐसे हैं कि जो मेरे जानकारी में है, हम लोग जैसे तीन बार खाते हैं, इन लोग चार से पाँच बार ऐसे खाते हैं रोजाना। रोजाना? जी जी। अच्छा, खाना खाते रहते हैं? हाँ, मतलब हाँ, काम किए इधर उधर घूमे। हाँ, थक जाते हैं ज्यादा, पहाड़ जैसे आप भी चढ़े होंगे तो पसीना निकला होगा, मतलब अपना जो स्टेमिना होता है वो खत्म होते रहता है बार बार, तो भूख तो लगेगी ही। हाँ, जी। अच्छा, और ये खाना में क्या क्या खाते हैं पूछिए तो? कई कई खाते हो? साग में? साग, कांदा भाजी, अमारी, मतलब जो एज कर मिल जाते। भाजी? हाँ, इन लोग जो पहाड़ में ही मतलब भाजी मिल जाता है और लगाए भी हुए हैं, ये दो चार दिख रहा है। अच्छा, फूल गोभी, शिमला मिर्च, ये सब? नहीं नहीं, ऐसा वो तो नहीं है। नहीं है, नहीं है ओके। अच्छा, तुम्हारे घर में ये पूछिए कि इनके घर में, यहाँ एक ही घर है लेकिन इनके बच्चों की शादी कहाँ किससे करते हैं? शादी उदी हुआ है कहले इन्हें जी के कहते कहाँ दिया बोला? बोला खुरी भावना दिया। खुरी भावना ये कहाँ कहाँ है? अच्छा, यहीं पे पास में है, 10 किलोमीटर अंदर में। ऐसी पहाड़ी में भी रहते? हाँ, पहाड़ी में रहते हैं। हाँ, सेम ऐसे ही जगह है वो भी। हाँ, हाँ, जो बस्ती है वहाँ मेरे जानकारी में जो है। हाँ, तो मतलब वहाँ चार पांच परिवार रहता है लगभग। अच्छा, उन लोग को प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है नीचे में।
मतलब कुछ लोग हैं पहाड़ी कोरवा जो अब नीचे जा रहे हैं। हाँ, हाँ, और सिर्फ अभी एक घर बचा है, इसके पहले और घर यहाँ थे कि नहीं? नहीं, और भी है, और यहाँ इस पहाड़ी में और घर इस पहाड़ी में नहीं है अभी, पहले थे इस पहाड़ी में। आपको उधर दिखाएंगे कैमरामैन, वहाँ बना हुआ था घर जो टूट चुका है अभी, मतलब ऐसे ही इन लोग ही बनाए हैं उसको। अच्छा, तो अभी एक ही घर है जी, और कोई भी पढ़ा नहीं है घर में? नहीं, पढ़ा लिखा कोई नहीं है। मोबाइल नहीं है? नहीं, मोबाइल भी नहीं है। पानी मतलब पानी भी नहीं है? मोबाइल ऐसा कुछ जो वीआईपी लग्जरी सुविधा होती है उसमें से एक भी नहीं है। यहाँ तक कि आपको, आप खुद ही चल के आए हैं, साइकिल तक मतलब आने की स्थिति नहीं है जो अगर आ सके। पगडंडी में पहाड़ में चढ़ के आना पड़ता है, लगभग 2 किलोमीटर हो गया। इस इलाके को टिकेसी हम देख लें क्या 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 है। मुर्गी दिख रही है मुझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया को बुला लीजिए। हाँ, तो बता दी हो, क्या क्या उम्र है आपकी? उम्र पूछिए। कतिक साल के हो जी? हंसते 30-40 साल से है। 30-40 साल। अब इन लोग को ये भी आपका नहीं पता, आपका जन्मदिन पता है आपको? जन्मदिन पता है कब हो रहे है? जन्मदिन हम जान हम इनसे भाई रहते हैं तब तो। और वोट डालने जाते हैं क्या? वोट दे तो जथन तो गेरा इन लोग का ग्राम पंचायत आता है। कभी कभी कोई नेता आप लोगों के पास आया क्या यहाँ? ये कुछ नेता मैंने आया है यहाँ तक, तुम मतलब पूछ है को घर आल नहीं आया ना कोई अभी तक नेता यहाँ तक, तक सरपंच है यहाँ? सरपंच आते तो बबलो आते, सरपंच बोल रहे हैं कि यहाँ आते हैं, लेकिन वही अब पता चल रहा है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना तक नहीं दिला पाए तो क्या मतलब कभी कि अगर आप ये क्या है ये बताइए मुझे। ये यहाँ रखते हैं वो मुर्गी 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 घर है। हाँ, और इनके घर के छत में क्या है? ये कुम्भड़े का वो है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इधर क्या क्या है। और अच्छा भैया ये क्या है, इसको बताइए मुझे क्या है? ये है वो जो एक कब भाजिएगा लफड़ा लफड़ा क्या कैसे कैसे बनाते हो पूछिए तुम। ये भाजी है जो सुखाए हुए हैं, मतलब बाद के लिए भी काम आ जाए यूज में। अच्छा, सुखा के रखते हैं? हाँ, सुखा के रखते हैं। भैया का नाम क्या है? भैया का नाम क्या है इसका? भैया का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? विमल विफल विफल सिंह कोरवा। विफल सिंह कोरवा, तो विफल भैया आइए ना, आओ ना, आओ आइए। तो ये पीछे साइड का है थी पानी लपते दे बिना। पानी कहाँ से लाते हो? पानी है पैदल जात बन ही लेना था जनरल। चलिए, पानी इन पहाड़ी कोरवा लोग पानी कहाँ से लाते हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ से? उधर से रास्ता, इधर से भी रास्ता है, चलिए इधर से हम लोग चले लेते हैं। हाँ, यहाँ से। और आइए आइए, आप लोग भी आइए। तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं घर के सामने अपना जूता खोला और जूता पहनना भूल गया, और मुझे अब नंगे पाँव जाना पड़ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं कोई कांटे ना मिल जाए। और ये जो पहाड़ी कोरवा पानी कहाँ से लाते हैं वो मैं आपको दिखाने के लिए पहाड़ से थोड़ा नीचे उतर रहा हूँ। और देखिए इस आसपास को देखिए कि कैसे पहाड़ियों के बीच में इनका घर है, और ये पपीता का पेड़ है। पपीता तो खाते ही हैं, आप लोग भी खाते ही होंगे। तो कितना नीचे जाना पड़ रहा है पानी के लिए वो आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो पहाड़ी कोरवा हैं पूरी तरीके से जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा में जो मूलभूत सुविधाएं कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो इनसे सरकारी योजनाओं से पूरी तरीके से दूर है। इनको राशन बस मिलता है, बिजली नहीं है, मोबाइल नहीं है, आसपास में इनके घर भी नहीं है, एक ही घर है और एक ही घर में रहते हैं। और भैया काफ़ी आगे निकल गए हैं, उनके पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं। और कितना दूर है भैया? इच करा, ये सुन के बड़ा खुशी होता है मुझे। इच करा मतलब बहुत दूर होता है, मतलब इनके कहने का मतलब है इच करा मतलब पास में ही है, लेकिन ये बहुत दूर होता है। उनके लिए पास होगा, वो थोड़ी ही दूरी को पास नज़दीक बोलते हैं, क्योंकि उनके लिए रोज़मर्रा का काम है, रोज़ का काम है, इसके लिए उनको ज़्यादा दूर नहीं लगता है। ये देखिए पानी के निशान हमको दिख गए हैं, ये कहाँ पहाड़ियों से पानी आ रहे हैं इतना पता चल रहा है।
प्यास तो हमें भी लगी इतनी चढ़ाई के बाद। अच्छा ये पानी पीते हैं, कैसे आऊं उस पार में? अच्छा, ये पानी कहाँ ले आतेगा? ये अंदर से निकला था, उसका पानी। ठीक है जी, आइए थोड़ा ट्रांसलेट करके समझाइए, वहीं पर रहे, रुक जाइए। ठीक है, तो यही पानी ये लोग पीते हैं? हाँ, ये जो उपका बोल रहे हैं उसका मतलब एक स्रोत है। हाँ। जो अंदर से मतलब अपने आप निकलते रहते हैं, मतलब 12 महीना। गर्मी दिन में कम होती क्या? कचरा थे। गर्मी या रहे या ठंडी या बरसात, इतना ही रहता है ये। और साफ पानी आप देख पा रहे होंगे, फिल्टरेड एकदम। इसको पी के मतलब बीमार तो होंगे नहीं, हो भी सकते हैं, होते ही नहीं। नहीं, अब इन लोग नहीं होते, मतलब इन लोग को अब वो भी हो गया, हैबिट हो गया है। अच्छा ये बताइए कि ये तो पानी हो गया, इसी पानी से नहाते भी हैं क्या? हाँ, इसी पानी से नहाते हैं लोग। वहाँ पे भी है छोटा सा। अच्छा। यहाँ का जो पानी जाता है ना वहाँ, हाँ। तो लोग भर के रखते हैं। पहले स्रोत का पानी से पीते हैं और उसके बाद जो इसी से उपयोग होकर, तो हाँ वही वो जो जा ही रहा है तो वहाँ एकत्र कर लिए आगे में और उसी से नहा लेते हैं। फिर दाढ़ी बाल कहाँ कटवाने जाते हैं आप लोग? दाढ़ी मैंने कहाँ बनवाते हो, झुंडी मैंने कटवाते हो? गांव में ही जाते हैं, पास के नाई के पास। अच्छा, कब जाते हैं, कितने दिनों के बाद या कितने महीनों के बाद? के महीना मैंने कटवाते हो? एक हफ्ता दो हफ्ता में जो होते है। अच्छा, मतलब बैठ जाते हैं, बढ़ जाता है फिर, मतलब अच्छा नहीं दिखते रहता, खुद को लगता होगा, फिर कटाने चले जाते हैं लोग। अच्छा जी, तो आपकी शादी हुई है कि नहीं पूछिए? ब्याह हुआ है तोर? ना छे नहीं हुआ है। और तेज बार खास नहीं घर के बड़े एकदम एकदम। हाँ, ये बोल रहे हैं कि बड़ा मैं ही हूँ घर का, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुआ। एक बहन है जो उनको दिए हैं, जो अभी बताया कुछ देर पहले अपन। तो शादी का रस्म इनका कैसे होता है पूछे तो? शादी मतलब किस टाइप बोल रहे हैं? शादी कैसे होता है, कैसे होता है शादी, कितने दिनों का होता है, उसमें क्या क्या खिलाया पिलाया जाता है? चूरी पहरास होता है हमें कि बिहा करत हो इसे बाजा उजा बाजी के। तो कार था 2-3 दिन के। के दिन के? 4-5 दिन। अच्छा, तब बाजा हो जाता हो जाई तो हर दिन में चढ़ात हो इसे? चढ़ात है तो। अच्छा, तब बारात आते होते ले सिंदूर वगैरह? सिंदूर वगैरह और सिंदूर में लगाया तो चलते चलाइया चलाइया के और इन चलते का चलते तो चलते की हमार मन चलने। इन लोग ये बोल रहे हैं कि शादी का रस्म जैसे हम ही लोग जैसे होता है, जो नॉर्मल होता है, जैसे हल्दी चढ़ाया 3 दिन 5 दिन, 5 दिन का भी होता है, 3 दिन का भी होता है। और बारात आता है फिर। और इन लोग के में वो रस्म नहीं है जो सिंदूर वाला, यहाँ इन लोग चूड़ी पहना दिए और फिर ऐसे ही ले गए बारात से। अच्छा जी, तो ये तो हो गई इनके रस्मों के बारे में बातचीत, इनके रहन सहन के बारे में बातचीत, लेकिन आगे क्या होगा इनका, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये पहाड़ियों से, जंगलों से नीचे मैदानी इलाकों में आएंगे कि नहीं आएंगे, खेती किसानी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये पूछे इनसे। तो जिसे तू मेला सरकार दे दी खाल हेमा जमीन और धान में घुन बोए बार तो चल दी हो नहीं चल जाओ। इन लोग का कहना है अगर हम लोग को मिल जाता है सुविधाएं है, तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक सरकार ही नहीं पहुँची हम लोग के पास। सरपंच पहुँचते हैं, लेकिन सरपंच पहुँचते हैं बस यहाँ से मुर्गी खा के चले जाते हैं। हाँ। जो पाले हुए रहते हैं बस। हाँ, ऐसा है बस। अच्छा, तो नीचे की जो सुविधाएं हैं, जो बाइक है, गाड़ी है, घर है, पानी घर में आ रहा है, चावल मिल रहा है, तो ये सब सुविधाएं इनको चाहिए कि नहीं चाहिए? या और गांव, जो गांव के लोग, शहर के लोग जो जिनको देखते हैं उनसे डर तो नहीं लगता है? गाँव के मिला थोड़ी डरात हो, कछु मिल रहा है इसने की डरा। अब मिल ही तो चली दी हो नहीं जाओ तो। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि क्या डर उसमें, हम लोग भी इंसान, उन लोग भी इंसान। अब मिलेगा सुविधा है तो अपन जा सकते हैं, सवाल है जा सकते जी हैं। और ये पूछिए कि राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं कि नहीं, कौन है पूछिए? मुख्यमंत्री जानता है सरकार के कोने? भूपेश बघेल जानता है? नाम सुनी ना? सुनी ना, लेकिन नहीं जाना तो। वोट दे सरपंच वाला जो की सरकार वाला ला जो होते मंत्री बोर्ड लग हूं। आही जई हो बते होई तू मिलला को जन नहीं बते आए नहीं बता। हां, इन लोग को अभी तक ये पता नहीं है कि यहां वोट भी होने वाला है। इन लोग वोट में जाते हैं जो सरपंच वाला वोट होता है मेरे ख्याल से। हाँ। क्योंकि अभी मंत्री वाला जो हो रहा है अभी तक पता नहीं है, और जब 17 तारीख को होने वाला है चुनाव। हाँ। तो अभी तक तो गया नहीं है, मतलब आया नहीं है कोई कि बताएंगे कि इन लोग को वोट होने वाला है, भाई तुम लोग नीचे आना और वोट देना इनको। और इन लोग को ये भी नहीं पता कि भूपेश बघेल कौन है। नाम हल्का हल्का पता है, नाम सुना सुना लग रहा है इन लोग को कि भूपेश बघेल, रमन सिंह जानते हो? हाँ, जाना था, सुना सुना, मतलब नाम जानते हैं कि है कोई रमन सिंह नाम का और भूपेश बघेल नाम का। हाँ। लेकिन कौन है, क्या है, कैसा है, ये नहीं जानते। प्रधानमंत्री के बारे में?
और प्रधानमंत्री जानते हो मोदी ला जानता सोला जानो होते तो कौन है होते तो उचला उसने सुनिया सुनिया सुनना अच्छा, होता है अच्छा। तो होते भूपेश बघेल बरखा है कि छोटे जानता लीक पर रहते थे जानते हैं अच्छा। मतलब इन मोदी का भी नाम जानते हैं मोदी जी का हाँ। क्योंकि कहीं कहीं पे छपा रहता है जैसे हाँ। पर्चे और चले आते होंगे कहीं से या फिर झोला मिल जाता है कहीं पे तो उसमें मोदी और ऐसे मोदी मोदी जो चलन है थोड़ा बहुत बातचीत कर हाँ सुन लिए तो वहाँ पे लेकिन ये नहीं जानते कि हम लोग के सरकार है और उन्हीं से जो इनको चावल मिल रहा है या फिर ऐसा उनसे कोई ताल्लुक नहीं हाँ कोई ताल्लुक नहीं है अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार दावा करती है या कोई भी राजनीतिक पार्टी दावा करती है कि प्रचार के लिए वो दूर दूर तक जाते हैं अंतिम व्यक्ति तक जाते हैं तो वो प्रचार का जो सिलसिला है इस पहाड़ियों में तो नहीं आता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके पास सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुँचता होगा। मुझे नहीं लगता कि इस पहाड़ियों को चढ़ के वो सरकारी योजना इस पगडंडियों को चढ़ के नहीं आता होगा और ये सच्चाई इस वीडियो में आपको साफ साफ दिखने लगेगी। एक दो और सवाल है टीके जी वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये हम लोग पढ़ लिए हैं तो हमको गिनती पता है जी। हिंदी इंग्लिश पढ़ लेते हैं हाँ। तो ये लोग क्या करते हैं गिनती वगैरह के लिए कुछ जोड़ना रहता है तो? जोड़े में जान था पैसा मिला जान था के रुपया तेला वाला तो जाना होता है जाना होता है कितना पैसा जानते कतक कतक पैसा तक जान था 100 केला 150 और 500 500 तक ले और 1000 1000 लग और 2000 के जाना होते जाना है देखला देखिए 2000 के देखा नोट नहीं देखा और 1000 केला वही मिलता है पता हाँ। नहीं 500 तक ही देखे 500 तक देखा तातु में नहीं है मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि 2000 का नोट तो जान लेंगे लेकिन अभी तक छुए नहीं है उस नोट को अभी तक स्पर्श किए नहीं है हाथ से अपने 500 तक ही जो लास्ट गया है 500 तक ही छुए हुए हैं। अभी इनके पास कितना पैसा होगा और धान खेती करके वो धान से धान को बेचते हैं कि नहीं पूछे धान ला गया हाथ तुम्हें इंतला बेच थो कि खत हो खतम घन बेचो घन होते टाइम घन अच्छा सोसाइटी में बेचते हैं कि ऐसे ही बेचते हैं दुकान में तो सोसाइटी में बेच थो कि मतलब मंडी में कि दुकान में दुकान 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 में मंडी का इन लोग को दरअसल पता ही नहीं है कि अभी जो 3200-3100 है इन लोग को कोई मतलब नहीं है उससे हाँ। दुकान में ले गए और दुकान वाले जो से बनिया लोग होते हैं तो कितने में भी ले लिए हाँ। 16 रुपया 20 रुपया मतलब अब देख के भी ले लेते हैं कि यहाँ हाँ। ग्रामीण आया है तो कम में ले लो दे ही हाँ। तो देगा हाँ। इनका ऐसा अच्छा और अभी इनके घर में कितना पैसा है ये पूछिए और चावल कितना और तुम इनके अब पैसा उसे रख रहा घर में ही नहीं है और चावल में रख रहा चावल में रख है ताऊ जी से बीमार उमार हो जाते हो ता हॉस्पिटल में जाते हो जाथन ना तो पैसा वहां लेते हैं कि लाग लाग ले पैसे हम ले हां अब तो अही तक इसे बीमार हुआ कि एकदम भल ले कोरबा में ले जाए लागे वाला नहीं हुआ नहीं होला है तो बीमार से हां इन लोग को मैं ये पूछा कि अगर बीमार हो जाते हो जैसे तो हॉस्पिटल जाते हो तो इन लोग बोल रहे हैं हाँ जाते हैं कभी कभार जो गांव में है तो वहाँ तो सरकारी है तो सरकारी सुविधा फ्री में मिलती है और मैं पूछा कि एकदम गंभीर वाला तो नहीं हुआ है आपको लोग को बीमारी कभी तो ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ है अभी तक जी रात रात का समय जो रहता है इनके लिए कैसा रहता है जैसे हमको रात में लाइट चालू किए और सो गए मतलब हम लाइट के साथ जीते हैं वहाँ मोबाइल चार्ज करते हैं सब करते हैं तो इनका रात कैसे होता है ये पूछिए रात के तुम्हें जिसे भात खे पाते के बजे खाते हो मतलब संझाती संझाती वो रथे तेगा निखेदार थो अंजोर में अंजोर अच्छा तो हाँ उसके बजे सूच जाते हो खे के भे सुत वो 6-7 बजे अच्छा तो घड़ी में देखे जान थो कि वो सूरज ला देख के कितना बज रहा है अभी जान पावे ये लिखा है ये लिखा है यहाँ पे लिखा है देखिए ये, 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 ये क्या लिखा है 11 थोड़ा ऐसे नजर फेर रहे हैं मतलब इनको आता ही नहीं है कि गिनती क्या पता है हाँ आप डिस्प्ले दिखा रहे हो जिनको डिस्प्ले कभी देखे ही नहीं होंगे ऐसे हम लोग के देखते होंगे कि हम लोग आते हैं तो देख लिए और ये बोल रहे हैं कि जो अपन पूछे अभी कि सो जाते हैं तो इन लोग ना जो सूर्य होता है वो ढल जाए मतलब हाँ ढलने से पहले खा लेते हैं जैसे अंधेला नहीं हुए रहता तो उस पर दिख जाता है कि हम लोग क्या खा रहे हैं कैसे मतलब सुविधाएं होती है बिना लाइट के और फिर उसके बाद खाने के 1-1.5 घंटे बाद सो गए चुपचाप अच्छा ऐसा जी तो वीडियो का क्लोजिंग अप को हमको यही करना पड़ेगा क्योंकि जितनी जानकारियां मेरे मन में थी मैंने वो सारी पूछ ली है
अगर आपको भी लगता है कि कुछ इनसे जुड़ी जानकारी आपको और एक चाहिए आपको और हाँ, बता देता हूँ मैं हाँ। यहाँ जो अभी धान वान पूछ रहे थे हम लोग, दो खेत देखे होंगे आप आते टाइम, तो इन लोग अपने हाथ से इसको किए हुए हैं, फावड़े से और हाथ से, ना कोई खुद बनाए जी जी, ना ट्रैक्टर ना कोई बैल या फिर हल का जरूरत है, खुद से हाथ और फावड़े से जी। तो पहाड़ी कोरवा की जिंदगी कैसी है यही मैं दिखाने के लिए इस पहाड़ में मैंने चढ़ाई की कई घंटों का, उसके बाद का यहाँ पहाड़ में आए, पहाड़ में आने के बाद उन लोगों से बातचीत हमने किया, तो एक चीज़ जो साफ साफ पता चली कि जो हमारी दुनिया है, जिस दुनिया में ये घड़ी काम का है, ये जिस मोबाइल से हम शूट कर रहे हैं, वो मोबाइल हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, बिजली जुड़ा हुआ है, चार्जर जुड़ा हुआ है, कार जुड़ा हुआ है, घर जुड़ा हुआ है, लेकिन इनके घरों में, इनके जीवन में इन सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है, ना ही घर में एक रुपये पैसा है, ना ही इन्होंने आज तक 2000 रुपए का नोट देखा है। तो सोचिए कि इनका जीवन मुख्य धारा से कितना अलग है, इनकी दुनिया कितनी अलग है, क्या इनको भी हमारी दुनिया में आना चाहिए, क्या इनको भी हमारी तरह मुख्य धारा में जुड़ के सरकार की सारी सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए, सरकार को वोट देते हैं तो सरकार हमारे लिए क्या करती है, ये इनको जानना चाहिए। अगर जानना चाहिए तो आप इस वीडियो को देख के जो भी आपके मन में आए कि कुछ और पूछना है या कुछ और जानना है तो कमेंट करिए, और आपके कमेंट के हिसाब से हम फिर से वीडियो करेंगे और फिर इनसे आके पूछेंगे। कोरबा से एबीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरी।